हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो आज इस वीडियो में हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है होटल ट्रांसवेनिया ट्रांसफॉर्मेनिया। तो मूवी के एक ही लाइन में मैं कहूंगा, सुपर्ब एनिमेशन, कॉमेडी, ग्लैमर, सबको ह्यूमर कहने वाला था, ह्यूमर जो काफी अच्छी सी लिखी गई है, काफी अच्छी सी प्रोड्यूस की है हम लोग सामने में। तो इस वीडियो के रिव्यू करने से पहले अगर आप नए होंगे मेरे चैनल पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और तो सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिएगा। उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा, पुष्पा आ गई है अमेजोन पर, जाके देख लीजिए। अगर आप लोग मुच्चू बुच्चू से अगर बिजी थे, और मतलब मेरे बाबू ने थाना खाया इससे अगर आप बिजी थे, तो जाके उस मूवी को जाके आप देख सकते। तो देरी ना करते हुए सीधे चलते हैं हम अपने मूवी के रिव्यू की तरफ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, किसी के पीएम किसान की अगर इंस्टॉलमेंट आई हो या ना आई हो, यह तो बात की बात है, पर होटल ट्रांसवेनिया की जो फोर्थ पार्ट है, इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आ चुकी है। अगर आपने इस मूवी के अगर तीनों पार्ट को पहले जो सीक्वल से इसकी फ्रेंचाइजी से आ चुकी है उसे आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो उसे सबसे पहले जाकर देख लेगा दोस्तों, क्योंकि इसके बाद में ये फिल्म आपको इनकी कॉन्सेप्ट और जैसे जैसे कैरेक्टर को बिल्ड करके मर्ज किया गया वो आप लोग सभी को बेहतरीन तरीके से पता चलेगी। तो फिल्म डायरेक्टली फोकस करती है जोनी पर। जोनी आप लोगों को पता होगा हमारे ड्रैकुला सर के दामाद। तो वो होता है इस प्रकार है कि वो है जोनी जो एक ह्यूमन बींग है, जिसके बाद में उन्हें कहीं ना कहीं उसके दामाद यानी हमारे जो ड्रैकुला सर हैं उनको उनके दामाद पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि ड्रैकुला यानी वो है एक मॉन्स्टर और ये है एक ह्यूमन, इन्हीं के बीच में कुछ मतलब अनबन होती रहती है। इसी के बीच में होता ये है कि हमारे इसी के बीच में जॉनी के मन में आता है कि मैं काश मॉन्स्टर होता। इसी के बीच में मिसकंसेप्शन या मिस इन्वेंशन कहें, इन वेन हेजन की तरफ से उनके इन्वेंशन के जैसे ही जब प्रकोप होती है तो ह्यूमन जो जॉनी है वो बदल जाते हैं मॉन्स्टर पे, और जितने भी ड्रैकुलास और उसके फ्रेंड्स हैं यानी बदल जाते हैं ह्यूमंस पे। उनके बाद में जो स्टोरी एडवेंचर्स में पकड़ती है और कैसे वो अपने अपने प्लॉट को ठीक करते हैं, अपने अपने करेक्टर को सही कर पाते हैं, इसी पे पूरी फिल्म फोकस्ड है। स्टोरी की बात करूंगा तो स्टोरी एकदम फ्लैट है, स्टोरी पे आप लोगों को नहीं मिलेगा, मगर जिस कैरेक्टर पे फोकस किया गया है, जैसे कि जॉनी के मॉन्स्टर बनने के बाद उस मॉन्स्टर यानी जॉनी पे जो कैरेक्टर पे फोकस किया गया है वो काफी बेहतरीन है। एनिमेशन में कहीं भी आपको शिकायत का मौका नहीं देती है ये फिल्म, और आप लोग मैं जाके यही कहूंगा फिल्म को जाके देख लीजिए। 1 घंटा 15 मिनट की फिल्म है, आप लोगों को कहीं भी बोर नहीं, मतलब कि यूं की और फिल्म गायब, आप लोग हंसते हंसते साइड से ही निकल जाएंगे। ये मूवी ऐसी मूवी है जहां भी ह्यूमर दिया गया है काफी अच्छा है, गैग्स जो है काफी अच्छे से पैक्ड है, मतलब कहीं भी आपको बोर नहीं करेंगे, टीयर्स भी आएंगे और लाफ्टर दोनों ही फिल्म में काफी अच्छी है। और इसी तरह के रिव्यू के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा दोस्तों मेरे पे, और बने रहिएगा मेरे चैनल पे। बाय बाय।